नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने इसकी घोषणा कर दी है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर लंबे समय से मंथन चल रहा था, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव हार गए हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीजेपी उत्तराखंड में अपना सीएम उम्मीदवार बदल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया है। नए मुख्यमंत्री की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ सतपाल महाराज भी थे। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बनूरी भी शामिल थे, लेकिन आखिरी मोहर धामी के नाम पर ही लगी है। यही वजह रही कि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सिर पर बांध दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर मंथन हुआ था। इसके साथ ही इस पर भी चर्चा हुई थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का। लेकिन अब जब वक्त आया है तो अब अंतिम समय में फिर एक बार से बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। पार्टी अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार सरकार बना लेगी। बहुजन समाज पार्टी और निर्दलियों को भी दो दो सीटें मिली हैं। उत्तराखंड में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि इस बार वापसी कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत दूसरी बार जीत हासिल करने में सफल रही। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।